आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात सहित कई प्रदेशों में अपना जनाधार रखने वाली राष्ट्रीय समाज पार्टी ने यूपी में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। देश के सबसे बड़े सूबे यूपी में राष्ट्रीय समाज पार्टी की नींव रखने वाले पूर्व प्रदेश संयोजक हरिओम बाबूजी की जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय समाज पार्टी का महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में खासा जनाधार है। पार्टी के संस्थापक महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री महादेव जानकर इस दल का विस्तार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में करने के लिए प्रयासरत हैं। उनके इन्हीं प्रयासों को सफल बनाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुशील पाल के निर्देशन में जगह जगह हरिओम बघेल की जयंती मनाई गई। आगरा, मथुरा, नोएडा, जौनपुर सहित हर जगह राष्ट्रीय समाज के कार्यकर्ताओं ने यूपी में पार्टी के संयोजक रहे हरिओम बाबूजी के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रीय समाज के इस नायक को याद किया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और गोवा के साथ गुजरात में अपनी जड़ें जमाने के बाद देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में जब राष्ट्रीय समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष महादेव जानकर ने यहां का रुख किया तो उन्हें हरिओम बघेल का साथ मिला। हरिओम ने यूपी में अपनी मड़ई अपना घर का नारा देकर राष्ट्रीय समाज के सहारे पाल बघेल धनगर समाज के साथ ही सर्व समाज को जोड़ने का बिगुल बजा दिया था। अल्प समय में ही उनकी मृत्यु से राष्ट्रीय समाज के इस कारवां को आघात पहुंचा, लेकिन अब उन्होंने उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में राष्ट्रीय समाज का संगठन खड़ा करने में सफलता पा ली थी, लेकिन तब तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय समाज के संगठन को खड़ा करने में राष्ट्रीय समाज पार्टी ने सफलता पा ली थी। आगरा में हरिओम धनगर के नेतृत्व में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं नोएडा में पार्टी के पश्चिमी यूपी प्रभारी ओमकार सिंह बघेल के नेतृत्व में जयंती मनाई गई। जौनपुर में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी सुशील पाल के नेतृत्व में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा।